20 नंबर देखें। ओके 20 नंबर में फिर सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है पावर का, हमारा जो एक्सपोनेंट का है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लो लेट टी कितना हो गया, ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स इक्वल टू टी, इसको ये डाल डी एक्स, ठीक है ये मारो डी टी। तो इसके मीन्स क्या है, टू कॉमन टू ई टू एक्स ई प्लस मारे माइनस टू ई टू एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। ओके इतना। तो अभी इसमें से क्या करो, ये डी टी क्या हो जाएगा, टू कॉमन ले लो टू टू एक्स ई टू एक्स ए डी एक्स ये सबको इधर। तो हमारे पास डी एक्स क्या हो गया, टू ई टू एक्स माइनस ई टू एक्स इक्वल टू डी एक्स, ठीक है यहाँ तक समझे बात। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल अपन क्या इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे, ई टू एक्स माइनस ई टू एक्स ये क्या हो जाएगा, ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स, ठीक है इसको हमने टी माना है, टी रख देंगे और डी एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ई टू एक्स माइनस ई टू एक्स ये क्या हो जाएगा, ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स, ठीक है सर इसको अपन टी रख देते हैं, इंटू ये हो गया डी टी ई टू एक्स ई माइनस टू एक्स, ये गोज आउट, ये हाफ को बाहर कर दो, ये कितना होगा वन बाई टी इंटू डी टी, तो हाफ लिख दिया। ये टी की जगह पे क्या रख दो हमारे पास, ये वन बाई टी क्या हो गया, लॉग लॉग टी प्लस सी, ठीक है तभी हाफ। तो लॉग का क्या हो जाएगा, लॉग टी का कितना हो जाएगा, तो क्या माना है लॉग टी को, ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स प्लस सी, समझे। तो मतलब क्या है फिर से हम देखते हैं। तो भाई इस चैनल पर आपको सारे मैथ्स के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे और स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे, एज वेल एज आपको सिस्टमेटिक प्लस इजी सॉल्यूशन मिलेगा विद ट्रिक्स मिलेगा। ओके कंपटीशन बैच प्लस नीट जेई सबके कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ओके तो बने रहिए इस चैनल पे एंड कंटिन्यू इट। देखो फिर से हम एक इलस्ट्रेट करते हैं, ई टू एक्स माइनस ई एक्सपोनेंट माइनस टू एक्स ई टू एक्स प्लस ई माइनस, तो डी टी के टी कितना हो गया दिस, तो डी टी कितना हो गया आपको डिफरेंस के, इसका डिफरेंस क्या है टू ई एक्स ही रहता है, इसका भी हम लोग कैसे माइनस का डिफरेंस होगा, ये टू आ जाएगा और माइनस टू एक्स। ओके और ज़्यादा इस पर कॉन्सेप्ट चाहे डिफरेंस चैप्टर देख लेना तो उसमें से समझ में आ जाएगी, डाल के रखा हुआ है। ओके ये देखो डी टी, तो ये आगे हमारे पास डी एक्स कितना हो जाएगा, तो इसको क्रॉस कर देते हैं टू ई डी एक्स ये उतना हो जाएगा आपको, फिर इंटीग्रेटेड कर दो, इसको टी माना है तो टी रख दिए, ये कैंसिल हो गया, इसको बाहर कर दिया अपन। तो उसके वन बाई टी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख सकते हैं, वन बाई टी ये इसको कितना होता है लॉग उस, तो ये मेरा क्या हो गया लॉग टी हो गया, तो ये मेरा हाफ लॉग ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स प्लस सी ई टू आंसर।